दोस्तों तो आप देख रहे हैं टेक सर्च फाइल और आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किसी भी फोटो को एआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने तो मेरे थंबनेल को देखकर पता कर चुके होंगे कि मैं किस तरह का फोटो बनाकर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इस तरह का फोटो बनाना चाहते हैं और बनाकर फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस तरह का फोटो बनाकर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फोटो बनाना तो फोटो भी बना सकते हैं, अगर चाहते हैं वीडियो बनाना तो वीडियो भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले फोटो बनाकर और फिर बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनाया जाता है उस फोटो को। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस तरह का वीडियो कितना जल्द वायरल हो रहा है। तो आप भी जाइए और इस तरह का वीडियो फोटो बनाइए और यूट्यूब पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए या फेसबुक पे डालिए। तो हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी नई नई वीडियो और आप तक पहुँचती रहे। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ़ोन से इस तरह का फोटो कैसे बनाते हैं और फोटो को फिर वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फोटो बनाने वाले हैं। फोटो बनाने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर में और क्रोम ब्राउजर में जाकर आपको टाइप करना है हगिंग फेस इल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका नाम सर्च करके यहाँ पे रख दिया है और यहाँ से आप स्पेलिंग देख सकते हैं। तो जैसे ही ये टाइप करेंगे ना हगिंग फेस इल्यूशन तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देखिए इस तरह का यहाँ ऑप्शन आया है ना, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन AP 123 है, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है वरना इस तरह का ऑप्शन बहुत आ जाएगा आपके सामने। इस तरह का करेंगे ना, इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना है और आपको यहाँ पे नाम पढ़ना है इस तरह का, AP 123 आ जाएगा ना आपके सामने। तो समझ लीजिएगा कि यही वो ऑप्शन है जहाँ से हम फोटो बना सकते हैं, AI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इसी पे क्लिक करना है, इसी वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ गया है, यही वो ऑप्शन है जहाँ से आप अपने फोटो को या किसी भी फोटो को AI में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन है ना, यहीं पे आपको क्लिक करना है और एक फोटो चूज कर लेना है। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे ना तो आपके सामने आ जाएगा गैलरी का ओपन। तो आप कोई भी फोटो एक चूज कर लीजिए जिस फोटो को आप AI में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी फोटो को कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ AI में ये किस तरह का दिख रहा है AI में। तो आपको इसी पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं डन का ऑप्शन, आपको फिर से इस डन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये फोटो अपलोड हो गया है यहाँ पे। अब आपको इसे इस तरह से करना है और आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसका रेंज आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरह से करके। तो चलिए मैं इतना ही रहने देता हूँ और आपको फिर से इसे इस तरह से करना है। और यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि आप कहाँ पे या किस जगह पे इस फोटो को कन्वर्ट कराना चाहते हैं AI की मदद से। तो यहाँ पे आपको उसको नाम देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्री और पानी उनी गाछ ब्रिज हो वहाँ पे इस फोटो को कन्वर्ट कराना चाहता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे, पाछे पानी हो और आगे गाछ ब्रिज हो। तो आपको यहाँ पे उसका नाम देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ ट्री और बीच। तो यहाँ पे ट्री और रिवर दे देता हूँ। ट्री और रिवर लिखने के बाद आपको इसे इस तरह से करना है और आप यहाँ पे देखिए लो क्वालिटी है ना, इसको हाई क्वालिटी कर देना है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे हाई लिख देना है, यच IGH। हाई लिखने के बाद आपको यहाँ से बैक कर लेना है और आप यहाँ पे इस तरह से करते जाइए। और आप यहाँ पे देखिए रन का ऑप्शन है, आपको इसी रन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा देर समय लेगा, यानी कि 10-5 सेकेंड का समय लेगा और ये ऑटोमेटिक इसका फोटो इस फोटो को AI में कन्वर्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से फोटो को AI में कन्वर्ट कर दिया, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो को AI में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं खुद का फोटो को AI में कन्वर्ट कराना तो आपने यहाँ पे दिए थे ना, अपलोड किए थे फोटो को, यहाँ पे आपको खुद का फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका रेंज आपको बढ़ा देना है, जितना आप अपने हिसाब से इसका रेंज कर लीजिए। और यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ट्री और रिवर मैंने लिखा है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख लीजिए जिस पे आप अपने फोटो को कन्वर्ट कराना चाहते हैं। और यहाँ पे हाई लिख लीजिएगा, इस तरह से आप अपने फोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस फोटो को वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इस फोटो को वीडियो में भी बना सकते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन में चले जाना है। अगर आप काइंड मास्टर का यूज़ करते हैं तो काइंड मास्टर में चले जाइए या VN में चले जाइए, किसी भी एप्लीकेशन में चले जाइए आप जिस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं काइंड मास्टर में चले जाता हूँ क्योंकि मैं तो काइंड मास्टर से यूज करता हूँ, कोई भी फोटो या वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं काइंड मास्टर में चले जाता हूँ।
तो आपको काइन मास्टर में जाने से पहले आपको उस फोटो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको उसी पे जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका फोटो डाउनलोड होने लगेगा, यानी कि डाउनलोड हो जाएगा। तो अब आपको जाना है काइन मास्टर में। जैसे ही काइन मास्टर में जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन, आपको इसी क्रिएट पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और आएगा ऑप्शन, क्रिएट न्यू का ऑप्शन, तो आपको इसी क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आ जाएगा ढेर सारे साइज का ऑप्शन, तो आपको इस साइज पे क्लिक कर लेना है 60:9 में, यानी कि 9:60 में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको फिर से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरे फोन के स्क्रीन पे, जैसे ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा ना, तो आप यहाँ पे देखिए इमेज असिस्ट का ऑप्शन, तो आपको इसी इमेज असिस्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको कोई भी एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ या व्हाइट कलर चूज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं व्हाइट ही कलर चूज कर लेता हूँ। और यहाँ से आपको ये कॉटिस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये कॉटिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। और यहाँ से आपको इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। चलिए मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लगभग 12 सेकेंड का करीब में। तो इसका बड़ा साइज़ करने के बाद आपको फिर से चले जाना है लेयर वाले ऑप्शन में। और लेयर वाले ऑप्शन में से आपको जाना है मीडिया वाले ऑप्शन में। और यहाँ पे अभी जो आपने फ़ोटो को बनाया था एआई में कन्वर्ट किए थे, आपको उसी फ़ोटो को चूज कर लेना है। तो चलिए मैं उसी फ़ोटो को चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। और आपको इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इस तरह से करके। तो ये तो हो गया, आपका फ़ोटो यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसका भी साइज़ थोड़ा सा इसका बड़ा कर देना है, ताकि हमें वीडियो बनाना है तो कम से कम 10 सेकंड का हो, 12 सेकंड का। तो इसका साइज़ आपको इस तरह से करके बड़ा कर लेना है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें और इफेक्ट देना, तो आप ये लेयर वाले ऑप्शन में जाइए और ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाइए और इसमें आप लिख दीजिए वेट फॉर इंड। जैसे ही वेट फॉर इंड लिखेंगे ना, तो कोई आपका वीडियो देखेगा तो वो इन लास्ट तक देखेगा, वो समझेगा कि कुछ नया है तो लास्ट तक देखेगा। तो आपको लिख लेना है वेट फॉर इंड। वेट फॉर इंड लिखने के बाद आपको यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। तो अब आपका वेट फॉर इंड लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसका साइज इस तरह से यहाँ पे बढ़ा देना है और आपको इसे लाकर यहाँ पे कर देना है। तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब आपको इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आपको इस तरह से करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर का ऑप्शन, आपको इसी कलर पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन कलर। और फिर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यस का ऑप्शन, आपको इसी यस पे क्लिक कर देना है। तो अब ये आपका वेट फॉर इंड भी लिखा हुआ कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी कुछ लिख देना है ताकि कोई देखे ना तो एक शान से वो आपका वीडियो देखे। तो यहाँ पे हमें लिख देना है आप अपने मन की आंखों से देखें, यानी कि आप अपने मन से देखें। तो यहाँ पे मन की आंखों से लिखने के लिए आपको यहाँ से बैक जाना है और फिर आपको ये लेयर वाले ऑप्शन में जाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट का ऑप्शन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमें लिखना है कि मन की आंखों से देखें, मन की आंखों से देखें। ये लिखने के बाद फिर से आपको ये ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको फिर से इसका साइज थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर देना है और आपको इसे यहाँ पे लाकर सेट कर देना है। और आपको फिर से इसका भी कलर चेंज करना है, तो कलर वाले ऑप्शन पे जाइए और इसका कलर कोई एक चूज कर लीजिए। तो चलिए मैं इसका कलर रेड रहने देता हूँ और फिर आपको यस पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको इसका भी साइज़ बड़ा कर देना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देना है। इसी तरह से करके आपको इसका भी साइज़ बड़ा कर देना है। तो अभी आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहते हैं इसे प्ले करके देखना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना ये वाले ऑप्शन, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं। अगर आपको इसे सेव करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीर वाले ऑप्शन, आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसका रिंग फुल करके रखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सेव एज वीडियो का ऑप्शन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी नई नई वीडियो और आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।